गुड मॉर्निंग। सो अभी जस्ट मैं सो के उठी हूँ और टाइम हो रहा है 6:30। मैं जा रही हूँ पापा जी के लिए चाय बनाने। सुबह उठते ही जो सबसे पहला काम होता है वो पापा जी के लिए चाय बनाना होता है। तो पापा जी को एक कप चाय देके उसके बाद आपको जो भी करना आप कर सकते हो। और अगर आपने सुबह सुबह पापा जी को एक कप चाय नहीं दिया तो फिर पूरा दिन पापा जी खिसियाए रहेंगे, पापा जी का मूड ख़राब रहता है तो अच्छा नहीं लगता। सो अभी 6:30 हो रहे हैं, मैं चाय देके और फिर थोड़ी देर सो जाऊँगी और फिर उठेंगे तो फिर नाश्ता वगैरह बनाएंगे। और सैटरडे है, आज हम लोग को कहीं जाना भी है तो अभी उसका कुछ फाइनल नहीं है, देखते हैं क्या होता है कैसे होता है, बट बताऊँगी मैं आप लोग को ब्लॉग में, तो बने रहिए। तो अभी चाय बनाने से पहले थोड़ा मैं फेस वगैरह ठीक कर लूँ, सो के उठते फेस वॉश वगैरह कर लेती हूँ, उसके बाद जाती हूँ। मॉर्निंग में सबसे पहले ये काम होता है मेरा फेस वॉश करना, और मैं यूज़ कर रही हूँ क्योर स्किन का, जो मुझे डॉक्टर ने अपॉइंट किया था वो वाला फेस वॉश। अच्छे से पूरे फेस को क्लीन कर दूँगी, फोमिंग में आपको ये मिलता है, काफ़ी अच्छे से आपका फेस क्लीन क्लीन हो जाता है, ग्लोई ग्लोई सा लगता है। और इसके बाद अगर मुझे भी कहीं जाना होता या नहाने के बाद मैं सनस्क्रीन यूज़ करती, बट अभी नहीं करूँगी। प्रोडक्ट्स जो मैं यूज़ करी कहाँ से लिए हैं, क्योर स्किन ऐप पे मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया था, वहाँ से लिया है। और वहाँ पे आपको हेयर स्किन से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी, बहुत सारी जो भी आपको प्रॉब्लम है सभी चीज़ों को सॉल्व कर देंगे क्योर स्किन पे डॉक्टर। बहुत ही अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं, इतने प्यार से बात करते हैं, इतने पोलाइट, जैसे लगता है हम किसी अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसा फील होता है। आपकी प्रॉब्लम को सुनते हैं, आपको अच्छा सा डाइट चार्ट प्रोवाइड करते हैं जिसको आप फॉलो करके 20 डेज में वो फॉलोअप्स भी लेते रहते हैं। और मतलब बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं होती है, जब हमारी स्किन या किसी चीज़ से रिलेटेड होती है तो हम घबरा जाते हैं कि डॉक्टर के पास जाना है, ऐसा होगा वैसा होगा, तो ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। वो आपके स्क्रीन टेस्ट लेंगे और जैसे आपके फेस पे जो भी प्रॉब्लम है वो देखेंगे, आपके हेयर पे स्कैल्प में जो भी प्रॉब्लम है देखेंगे, उसके हिसाब से सबको अपना अलग अलग कस्टमाइज़ करके वो लोग प्रोडक्ट भेजते हैं, मेरे फेस के लिए मेरे हिसाब से, आपके फेस के लिए आपकी प्रॉब्लम के हिसाब से, इस तरीके से भेजते हैं। और मेरे जो प्रोडक्ट है वो मुझे 1500 रुपीज़ में मिल गए थे, जो मैं कंटिन्यू 3 से 4 महीने मेरे चल जाते हैं, जिसमें मेरा कंसल्ट आने जाने का वो बच गया और बहुत सारी चीज़ें, टाइम बच गया, बच्चे को भी मैंने घर पे अपना देख लिया और संभालते संभालते। एंड गाइस, मेरा अगर कूपन कोड यूज़ करते हो निकू 200, तो फर्स्ट 1000 कस्टमर को 200 रुपीज़ का ऑफ मिलेगा। जी को चाय वाय देने के बाद हम लोग सो जाते हैं नॉर्मली, कभी कभी नहीं भी सोते हैं, तो उसके बाद उठ के बनाना होता है नाश्ता लंच। तो मेरे घर पे ऐसा होता है ना कि रोटी सब्जी, सुबह हम लोग रोटी सब्जी ऐसे बनाते हैं, तो एक जने सब्जी बना ली, किसी ने रोटी बना ली, ऐसे करके हो जाता है। और उसके बाद फिर हम निकलने से पहले एकदम से ध्यान आया कि पापा जी तो जा नहीं रहे, क्योंकि हमारे नीचे ना कुछ काम वाम चल रहा है तो वो चीज़ छोड़ के नहीं जा सकते, तो इसीलिए फिर पापा जी के दोपहर के लिए खाना बना रही थी। और यहाँ देखो विकास और ये मिल के तैयार कर रहे थे, कर ही नहीं पा रहे थे। विकास बहुत प्यार करते हैं बबनी से, कह रहे दो भाभी मैं तैयार करूँ बबनी को, कि वो भी जाना था उनको भी, बट वो पहले बबनी को उन्होंने तैयार किया। वेलकम बैक टू माई चैनल। और मैं आईब्रोज करती नहीं हूँ और आज मैंने आईब्रोज की है, थोड़ी सी ज़्यादा ही डार्क हो गई है, मेकअप भी थोड़ा सा डार्क डार्क लग रहा है, बिकॉज अभी जस्ट करके फ्री हुई हूँ, थोड़ी देर में सेटल हो जाएगा तो थोड़ा सा ठीक लगेगा। और कल मायके से आई और आज मैं जा रही हूँ ससुराल के एक फंक्शन में। कहाँ जा रहे हैं पति देव बताइए? हम जा रहे हैं बुआ के घर, बुआ की पार्टी। और बुआ के घर जा रहे हैं, मतलब जिन्होंने हमारी शादी के सारे रस्में रीति रिवाज किए थे, तो आज बुआ के घर पे क्या है, फंक्शन है, सुंदरकांड है और भी हवन वगैरह है, बट हम लेट हो चुके हैं, देखते हैं हमें क्या मिल पाता है क्या नहीं मिल पाता है। सुबह से निकल रहे हैं और ये सुंदर सुंदर सी चूड़ियाँ, और मैंने ये रेड येल्लो साड़ी पहनी है, फंक्शन के हिसाब से, पूजा के हिसाब से पहनी है। तो चलो निकलते हैं, इयर रिंग्स और जो भी ज्वेलरी है वो बाकी मैंने गाड़ी में पहनूंगी, अभी नहीं पहनूंगी। चलो चले, खांसी की दवाई खाते रहते हैं आजकल, बेचारे बीमार जो चल रहे हैं इसीलिए खांसी की दवाई खानी पड़ती है। चलो निकलते हैं, मिलती हूँ मैं आप लोगों से थोड़ी। हमने पूजा कर ली, राम कर ली, उनके घर घर लिया, सीने से हो गए हम लगता घर बोझ।
आई हूँ। अरे मामी जी अबे खरीद के ये जो रास्ते में चेन बदल पहना के लिए नहीं तो टकली होकर बड़ी इतना अजीब लागत रहा ना। अच्छा, तो रास्ता में ये किनाइल हटे तो चेंज हो सिर फलाम देखा जितना सोचे उतना गंदा नहीं खेलना ना, ना। अभी टोपी पहना दी चलो अब तुम मम्मी को देख के बोल कुछ होके ओने और ही दीदी जाम ले ले ऐसा छोटी वाला दिन है आलू मंदिर में आलू पराठा होने लगे। हां हम भी अगर आज आलू के पराठा आलू का पराठा बाप रे बस बस कहाँ जाओगी कहाँ जाओगी बाय कर दो बाय टकलू महाराज की बाय कहा मंदिर दिख गया आपको कि जय कर रहे हो दांत तोड़ दो दांत तोड़ दो धनु के अपना धनु के दांत तोड़ दो कितना ध्यान से देख रही है धनु कितना ध्यान से बैठी देख रही है दांत मुझे कर दी मम्मी जी लड़ रही है दांत कर क्यों लड़ रही हो धनवी आपको कुछ हो जाता है क्या क्यों लड़ती हो आप मौसी से भी ऐसे लड़ती हो गौरी गणेश हमारे घर में विराजमान रहे बाकी हमने देवताओं को बुलाया है तो हमें आशीर्वाद देते हुए अपने अपने खुश रहो खुश रहो खुश रहो मम्मी कहाँ है अभी अभी अब मम्मी कहाँ है अब पैसे बिल्कुल एकदम गर्मी लग रही थी ना इतनी गर्मी है लोगों को काम करना होता है सही बात है दो खा ले यार थोड़ा सा रिकॉर्ड कर दे सामने से रिकॉर्ड कर देंगे थोड़ा सा भैया पंडित जी प्रामाणिक मुद्रा पर आया करो मैंने बोली ना कि जब तक मैं जीऊंगी जब तक मैं जहाँ रहोगे ना तहाँ मैं पहुँचूंगी जरूर लेकिन मम्मी का समय थोड़ा ठीक से बताया करो बोली 12 बजे कथा शुरू होगी तो हमने लगाया कि 12 बजे कथा होगी 1.5 घंटा लग जाएगा तो 2 बजे से शुरू बुआ जी क्यों रो रही है मम्मी खुशी 2 बजे रास्ते में
नहीं बहुत सही जगह भी जैसा सोच रहे थे अपना दो बेटों के लिए भी अपना दो कर रहा हूँ ऐसे मत करो पहचाना है पहचान लिया और इसको देखो हाँ भाई गोदी में ये देखो आओ हाँ हाँ अच्छी लग रही है मेरी बेटी अच्छी लग रही है खाओ क्या पियोगे कुछ पीना है इसलिए ये क्या है बताओ ये थोड़ी ना कहा था आने के टाइम में अच्छा अच्छा बाबा आई आई अच्छा भी इसके फोटो तारों का टीवी कितना बड़ा हो गया जय करो जय अच्छा आपको देखती दिखी नहीं मुझे सीधे ये भी नानी जी है धनवी नो कैप नहीं नए किचन बहुत अच्छा मुझे तो इतनी बड़ी किचन दी थी और भगवान ने और बड़ी दे दी बंदा अब नया घर होता है नए किचन में काम करना बहुत मजा आता है मेहमान आए अब बड़ी किचन की अच्छी है ना अब कहीं कहीं मकान देख रहे थे नोएडा में देखा गुड़गांव में देखे राजधानी में देखे फरीदाबाद में देखे कहाँ देखे किचन छोटी मुझे इतनी बड़ी किचन चाहिए थी और इतनी बड़ी मिल गई खुली डुल्ली और मिल गई अभी कुछ महीने तक तो इतना मजा आएगा ना आपको काम करते हैं मजा रोज आ रहा है रोज एक्सरसाइज झाड़ू पोछा बर्तन और गाँव वाली कहती है 4,000 इससे छपने सेव करें ना 4,000 और वो अपना वो भी हो जाएगा ना मेंटेन हो जाएगा फिर स्कूल लेने जाती हूँ यहाँ पे एडमिशन नहीं वही है रिस्क भी जाती हूँ भैया छोड़ देते हैं फिर मार्केट में मैं लेके आती हूँ लेट सब कुछ और इतने मन से आए थे क्या सुंदर कांड देखे लेकिन सब कुछ खत्म हो चुका था और यहाँ हवन तक सब कुछ कुछ नहीं मिला हमारे
मेरे भी खींच दो पोस्ट कर दूं यहाँ से होगा देखो दीदी चलो दीदी को प्यार अभी दोनों जनों ने तो प्यार ही किया था कि रो रहे थे दोनों कह रही है आपने देखा है इनके पास बेबी आया गाइस हम लोग आ गए घर और रात के बज गए हैं 10 बट पहले हम लोग मामी जी के घर गए थे तो वहाँ पे मैंने वाइप से अपना फेस क्लीन कर लिया था। अब मैं जा रही हूँ फेस वॉश करूँगी और उसके बाद रात को जो करती हूँ वो करके सोऊंगी। अभी मैं चावल रख के आ रही हूँ क्योंकि पापा जी और भैया घर पे थे और हम भी थोड़ा थोड़ा खाएंगे क्योंकि वहाँ पे हमने 5-6 बजे खाया था तो भूख लग गई है। थोड़ा खाएंगे चावल बन जाता है। उससे पहले मैंने सोचा कि ब्लॉग को एंड कर लेते हैं और मेरा ये प्यारा सा पेंडेंट जो मैंने जल्दी जल्दी किसी ने मुझे बताया था कमेंट करके कि 2 मंगलसूत्र एक साथ नहीं पहनते हैं। तो पहले क्या होता था ना मैं जो छोटा वाला मंगलसूत्र पहनी रहती थी उसी के ऊपर बड़ा मंगलसूत्र डाल के फटफट से कहीं भी निकल जाते थे बट उसके बाद जब उन्होंने मुझे कमेंट किया कि एक साथ 2 मंगलसूत्र नहीं पहनते तो मैं ट्राई करती हूँ कि एक चेन डाल लूँ और एक बड़ा वाला मंगलसूत्र डाल लूँ तो ऐसे ही करते हैं। सो अभी मैं फेस वॉश कर लेती हूँ उसके बाद फिर क्रीम अप्लाई करूँगी रात को लगा के सोती हूँ। पहले से आपको मेरी स्किन बेटर दिख रही होगी क्योंकि ये जो भी गंदे गंदे काले काले दाग धब्बे थे वो सब खत्म हो गए हैं और उसके बाद हम लोग सो जाएंगे। और आज सैटरडे है कल संडे है तो आराम से सो के उठेंगे। बस सुबह उठ के पापा जी को चाय देने के बाद फिर आराम से सो जाएंगे 9-10 बजे तक सो के आराम से उठेंगे। तो चलो फेस वॉश कर लेते हैं और उसके बाद सोते हैं। सो अगेन फेस वॉश और पूरे अच्छे को फेस को अच्छे से क्लीन किया हमने और उसके बाद नाइट क्रीम 2 क्रीम है उन दोनों को आपस में मिक्स करके एक जेल फॉर्म में क्रीम फॉर्म में है तो दोनों को अच्छे से फिंगर पे लेके स्टेप 1 स्टेप 2 लिखा हुआ है जिसको आप पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। फिंगर्स और जहाँ जहाँ एक्ने की प्रॉब्लम है वहाँ वहाँ अच्छे से लगा लेना है और रात को सो जाना है। फेस वॉश करने के बाद मैं ये जो 2 क्रीम है इसको मिक्स करके लगा लेती हूँ और सो जाती हूँ। ये मेरे जो डॉक्टर हैं जिनको मैं अभी स्किन ट्रीटमेंट जिनसे ले रही थी क्योर स्किन ऐप से तो उन्होंने सजेस्ट किया था तो आजकल मैं डेली यही कर रही थी एंड आप मेरी स्किन एकदम पास से देख सकते हो पहले से बेटर हो गई है। सो गाइज अब मैं जा रही हूँ सोने और आप भी क्योर स्किन ऐप डाउनलोड करो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है एंड वहाँ जाके आप भी डॉक्टर से कंसल्ट करो। आपकी हेयर स्किन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो वो झट से सॉल्व हो जाएगी जैसे कि मेरी हो गई है आप देख सकते हो। तो गुड नाइट गाइज मिलते हैं सुबह या फिर देखते हैं कब मिलते हैं जब कुछ अच्छा होगा तो फिर ब्लॉग करेंगे फिर मिलेंगे।